एक बार जोर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मेरा टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक ले लीजिए। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी बताना चाहूंगा। क्या होता है जंगल, एक बार जंगल में क्या होता है, जंगल में जो भैंसे रहते हैं ना, भैंसे तो ऐसे भैंसों का एक झुंड झुंड था। उस झुंड में एक भैंसे का छोटा बछड़ा बछड़ा था। तो वो बछड़ा अपनी माँ से पूछता है कि माँ जंगल में ऐसी कौन सी चीज है, खतरनाक चीज है जिससे हमें डरना चाहिए। तो वो जो माँ है वो माँ बोलती है जंगल में सबसे जो खतरनाक जो है ना वो क्या है, वो बाघ है, शेर है। वो शेर ऐसे है अगर शेर को दिखाया ना तो समझ जाए। ठीक है इसी से बात करना, मुझे भी पता चले जंगल में सबसे खतरनाक क्या चीज है, शेर है। तो जैसे अगर मैं शेर को देखूंगा तो मैं सीधा भाग जाऊंगा। तो माँ बोलती है अरे ऐसा मत करना, अगर ऐसा करेगा तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। अगर तू शेर को देख के भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसको पीठ दिखा के भाग जाए। और अगर पीठ दिखाया तुमने तो समझ लो तुम्हारी मौत पक्की है। क्यों? क्योंकि शेर है वो एक झटके में आपको झपट लेगा और आपकी गर्दन पकड़ लेगा। तो फिर जो बछड़ा रहता है वो पूछता है क्या करूं मैं, अगर शेर को दिखाई देना मैं क्या करूं। तो जो माँ है वो माँ बोलती है अगर शेर को सामने देखा तो बिल्कुल डरना नहीं, क्या करना है वहीं पर खड़े रहना है और पाव को जमीन में मतवे से गाड़ देना है ताकि सामने वालों को लगना चाहिए, सामने जो शेर है उसको लगना चाहिए तू डर नहीं रहा है, बस और क्या करना है उसके ऊपर रुलाना है, ताकत दिखानी है। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हो सकता है तो क्या बोलते हैं कि अगर समझो वो आया शेर आया और शेर ने झपट लिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर तुम वहां पर खड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मदद के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर तुम वहां से भाग जाओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बराबर है, क्योंकि अगर वो बछड़ा भागता है तो उसके पीछे कौन भागेगा, शेर भागेगा, बराबर है। और सारा जो झुंड है वो तो नहीं भाग सकते उसके साथ में। तो जो माँ बोलती है अगर शेर को दिखाई दे तो उधर ही खड़े रहना है और क्या करना है, डट के रहना है, बिल्कुल भागना नहीं है। अगर तू वहां पर डट के रहेगा तो तू देखना तुझे मदद करने के लिए बहुत सारे झुंड में बहुत सारे जो भैंसे वो मदद करने के लिए आएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बराबर है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वहां पर डटकर खड़े के सामने उसका सामना करे। अक्सर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसको डटकर मुकाबला करने की ताकत आपको देगी। यहाँ पर जो सारे जो लोग हैं आपको मदद करने के लिए आए वो क्या है, इस झुंड में आप रहोगे तो क्या आप अपने आप को ये क्या करेंगे, सुरक्षित महसूस करोगे। और शायद आपके पास जो भी प्रॉब्लम आए उसका हल जो है वो हल आपको यही बन मिलेगा। शायद आपकी जिंदगी में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसका जवाब आपको मिलेगा यही पर मिलेगा। शायद आपकी जिंदगी में वेल्थ की कमी होगी तो उसका जवाब कहां पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो है वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसके माध्यम से हम वेल्थ की जो बात है वो बात भी करेंगे और क्या करेंगे, साथ साथ में हमें हेल्थ भी कैसी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे आदमी जो पहला जो है वो आदमी अपनी जिंदगी में क्या देखता है, हर एक आदमी क्या देखता है, इनकम। पहले किसके बारे में सोचता है, बराबर है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो लेकिन क्या बोलता है, दूसरी बात क्या है,
किसके लिए पावर ऑफ पास भेजते हैं?